नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कासियान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एस कासियान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम DSSB के माध्यम से जो दिल्ली में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है उसमें PRT के सिलेबस के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, आपको नोटिफिकेशन अब तक देखने को मिल गया होगा PRT के लिए DSSB की तरफ से। तो अगर आपको नहीं पता कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया आपका कितना होना चाहिए, इसके अलावा और भी जितने भी आपके संदेह हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते इस PRT की भर्ती के बारे में या फिर इस PRT की भर्ती को लेकर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, तो इधर आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपके तमाम कोशिश करी कि सारे कंफ्यूज दूर हो जाए DSSB की इस PRT शिक्षक भर्ती को लेकर। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में हम PRT के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप अपनी अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आपसे मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे सिलेबस को, और आपकी क्या स्टडी प्लान होना चाहिए इस पर भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए बस यही है कि आप इस वीडियो को देख ही रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। बाकी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन सी चीज़ बता देता हूँ। एक तो ये आपका PRT का एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको ये PRT की भर्ती देखने को मिल रही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल में मिल रही है, MCD के स्कूल में नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए इसके मैक्सिमम चांसेस जो भी आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। दूसरा, कुछ अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें इंटरव्यू वगैरह है या नहीं है, तो दोस्तों इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, एग्जाम पास करो और आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह इसमें कोई नहीं, जैसे KVS वगैरह में आपको देखने को मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, तो वो तो सही तो है ही, बाकी अगर आप जितने भी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो उस पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। बाकी अगर आप छोड़ के आओगे तो उसके नंबर आपको ना मिलेंगे ना आपके कटेंगे। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन करके आते हो और वो गलत है, तो ऐसे कोई 4 क्वेश्चन गलत हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, ठीक है, एक कॉमन होगा, एक विषय संबंधित होगा। तो 200 नंबर का पेपर होगा, 200 इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जो इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, मतलब कि 120 मिनट। और 120 मिनट के अगर हम हिसाब से निकालते हैं 200 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पर लगभग आपको 36 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 36 सेकंड का लगभग आपको टाइम मिलेगा, तो इतनी देर में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से टाइम दे पाओगे। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कौन से क्वेश्चन को कम दे रहे हो। तो दोस्तों, एक तो चीज़ कंपलसरी है इसमें, देखो एग्जाम सबको आता है, अगर आप तैयारी करोगे आप भी उस लेवल तक पहुँच जाओगे जहाँ आप एग्जाम क्रैक कर सको। लेकिन बस इसमें चीज़ एक ही रह जाती है, आपकी स्पीड, ठीक है। जिसकी स्पीड अच्छी होती है वही उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। आता सबको एग्ज़ाम, ऐसी बात नहीं हर कोई निकाल देगा, बस टाइम का इशू रहता है सबको, ठीक है। तो अगर उसी समय पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, चाहे कोई सभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसे हल करने की स्पीड अच्छी है, या किसी भी तरह से आप स्पीड में अगर अपना कार्य कर रहे हो, ठीक कर रहे हैं, तो आपको उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसमें एक इशू रहता है आपकी स्पीड का, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन बात। तो चलिए अब अपने सिलेबस के विषय में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर आपका 200 नंबर का आएगा, 100 नंबर का आपका कॉमन आएगा, 100 नंबर आपका विषय संबंधित आएगा। जो दोस्तों आपका 100 नंबर का कॉमन आएगा, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आप अपना 100 नंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है, आप किस तरह से उसको क्वालिफाई करोगे। बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत मेहनत करी उस पर। अगर आपको कॉमन वाली वीडियो देखनी है, तो इधर आई बटन पर आपको उसको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें कॉमन पेपर आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने कॉमन पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें सारी तमाम चीज़ों पर मैंने आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। तो अगर कॉमन पेपर के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी जो विषय संबंधी जो मैं आपका बता रहा हूँ, 100 नंबर के अलावा जो आपका विषय संबंधित होगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो आपका 100 नंबर का 2 मैंने आपको एग्जाम बताया है, ठीक है, तो इसमें आपको 40 नंबर तो स्कोर करना अनिवार्य है, जब भी आप क्वालिफाई हो पाओगे। और उत्तीर्ण होना हो आपका मेरिट में, नाम आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना, तो कम से कम 40 नंबर लाने पड़ेंगे एक में, 100 नंबर में, कॉमन में 40 नंबर, और जो आपका विषय संबंधित है उसमें 40 नंबर। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उन्हें 30 नंबर लाना अनिवार्य है। तो अगर आपका जो स्टार्टिंग का एग्जाम होगा, आप उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए क्वालिफाई करना तो जरूरी है, वो बाद की बात है। आपका मेरिट में नाम आता है नहीं आता, कितनी मेरिट जाती है, मेरे हिसाब से 120 से लेकर 130 के अंदर ही आपकी जनरल कैटेगरी में आपको मेरिट देखने को मिलेगी, तो इतनी जाएगी लगभग, ठीक है। तो कोशिश करना 125 प्लस या 130 तक भी आप अपने स्कोर पहुँचा सको, तो फिर आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण हो। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 40-40 नंबर लाना जरूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, दोनों में, कॉमन में भी और विषय संबंधित में। तो 100 में 40 लाना कंपलसरी है। बाकी दोस्तों, कॉमन के लिए मैंने आपको बताया दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा जो उसका सिलेबस, उसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं कॉमन पेपर की, तो आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मैं आपको PDF में लिंक दूंगा, उसमें डिटेल में बता रखा है, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, 2 लैंग्वेज आएंगे और 3 अदर सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है।
तो उसका सारा डिटेल में बता रखा है कहाँ से क्या कैसे पूछा जाएगा। तो आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो एक बार, तो बाकी जो मैंने आपको इधर आई बटन पे वीडियो मिल रहे हैं वो भी आप देख लेना, तो आपका कॉमन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है, क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे थे दोस्त, इससे संबंधित जो आपका पेपर है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, जो विषय संबंधित 100 नंबर का पेपर आएगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जो शायद से आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो ये पीआरटी का विषय संबंधित सिलेबस है तो इसमें दो चीज़ हैं। अब देखिए, फिलहाल तो कोई इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि इस पीआरटी की भर्ती में बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो मैं इसमें आपको ये बात बतानी चाहूँगा कि अगर इसमें बीएड वाले एलिजिबल होते हैं तो इसका जो भी आपको पाठ्यक्रम है या फिर जो भी आपको भविष्य में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। अगर इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको जैसा अभी तक चलता आ रहा है इसी तरह का पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बीएड वाले हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा भिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा। मैं दोनों ही सूरतों में आपको पाठ्यक्रम बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो विषय संबंधित वाला है कॉमन का आप वो वीडियो देख लेना, बाकी विषय संबंधित में आपको क्या पढ़ना है इसमें, एक तो आपका ये हो गया बाल विकास, ठीक है, वो यही बाल विकास जो आपने सी टेट देते हैं आप या फिर कोई भी आप स्टेट की स्टेट लेवल पर कोई भी आप टेट परीक्षा देते हैं तो उसमें जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है वही है इसमें। अब बाल विकास में आपको क्या करना है, जैसे कि आप जानते हैं बालक के विकास के कुछ चरण होते हैं, ठीक है, कुछ अवस्थाएं होती हैं, तो उन अवस्थाओं में किस किस अवस्था में कितना विकास होता है बालक का, सबसे ज़्यादा क्रियाशील किस अवस्था में बालक रहता है विकास के दृष्टिकोण से, ठीक है, बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है, परिवार का क्या योगदान है, और विद्यालय परिवेश से बच्चा कितना सीखता है या फिर उसका कितना विकास होता है, क्योंकि आप जानते हैं विद्यालय शिक्षा और विद्यालय से बाहर की शिक्षा में बहुत फर्क होता है, कहने के तो एक ही है, विद्यालय शिक्षा वही होती है आपकी एक निश्चित स्थान, एक निश्चित शिक्षक के द्वारा, एक क्लास में एक निश्चित स्थान जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक कानूनी रूप से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, कानूनी युक्त नियमबद्ध रूप से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो आपकी विद्यालय शिक्षा होती है, जबकि बाहर कोई ऐसा कोई नहीं होता कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक ही, बाहर तो बच्चा कहीं भी कुछ भी सीख सकता है, तो इसलिए फ़र्क होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको देखना है, ठीक है, तो समाज से सीखने में, परिवार से सीखने में और विद्यालय, तीनों में क्या डिफरेंस है इस तरह से आपको देखना है, और पर्यावरण से बच्चा जो उसके आसपास का जो भी वातावरण होता है चाहे वो परिवार का हो चाहे वो समाज का हो या विद्यालय का हो, ठीक है, उससे कितना सीखता है या फिर बालक का विकास किस स्तर पर होता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ आप जैसे कि जानते हैं परंपरागत या जो आप बोलते हैं कि खानदानी भी कुछ गुण होते हैं, जीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, ठीक है, तो इस तरह से देखना है आपको, और बालक के विकास में विभिन्न विद्वानों के क्या मत हैं, ठीक है, उनकी क्या राय है इस पर भी आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है। दोस्तों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना, ये भी बता दूंगा मैं आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की, तो वही आपका सी टेट वाला शिक्षा शास्त्र है, इसमें सीधा संबंध होता है बालक के अधिगम से, मतलब जो सीखता है बालक, ठीक है, तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है या फिर उसका जो भी सीखने का लेवल है उसे आपको पहचानना है, उसके बच्चे के अंदर की प्रतिभाएं आपको पहचाननी है। इस शिक्षा शास्त्र में सारा काम होता है शिक्षक का, उसे बालक को ऑब्जर्व करना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है, उसकी क्वालिटी को पहचानना होता है, किस में ज़्यादा वो रुचि लेता है, अभिरुचि किस में ज़्यादा है, कौन से विषय में ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, मेधावी छात्र है, सृजनशील छात्र है, किस प्रकार का छात्र है, तो ये सारा का सारा आपका शिक्षा शास्त्र में कवर हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान की। अब आपने बीटीसी डाइट या फिर डीएलएड वगैरह कुछ भी करा है, अगर बीएड वाले एलिजिबल हैं तो फिर बीएड भी आपने करा होगा, तो उसमें आपको जानते हैं कि दो वर्ष एक वर्ष जितना भी करें उसमें शिक्षा मनोविज्ञान अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, उनका क्या मत होनी चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित काफ़ी फेमस कुछ वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है, तो उनका आपको देखना है थोड़ा सा। ये दोस्तों मैं सारा बता दूंगा अभी थोड़ी देर में किधर से पढ़ना है, बाकी इसका शिक्षा मनोविज्ञान का मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो आपने अभी जो मैंने आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ष या दो वर्षीय डिग्री डिप्लोमा जो भी प्राप्त करा है तो उसमें आपने शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा, अगर आप वो भी कवर कर लेते तो दोस्तों बहुत आपको फायदा होने वाला है। और इसके बाद आ जाते हैं शिक्षण अधिक क्षमता, ये दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड होता है आपका, ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना एक बार। तो ये तो दोस्तों आपको कवर करना ही करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो आपको चारों चीज़ें कवर करनी है अगर इसमें बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है, तो आपको पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक करना है अनिवार्य रूप से, अगर बीएड वाले एलिजिबल हैं तो, ठीक है, अगर इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको दोस्तों पहली कक्षा से लेकर पाँचवीं कक्षा तक करना है, ठीक है, जो अनिवार्य रूप से करना है। अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं है तो पहली और से पाँचवीं तक तो आपको अनिवार्य रूप से करना ही करना है, बाकी आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप छठी से लेकर आठवीं तक का भी
इस एज के अंदर या फिर इन क्लासों के अंदर जितने भी बालक होते हैं, ठीक है, तो उनका विकास किस तरह से होता है, उनका अधिगम से आप किस तरह से उनके अधिगम को पहचान सकते हैं, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है उनका आपको छठी से आठवीं, वो पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के जितने भी छात्र हैं उन पर मनोवैज्ञानिकों के क्या मत हैं, बाकी जो आपकी शिक्षण अधिक क्षमता होती है वो भी पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक। तो अगर बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं तो आप कोशिश करना पाँचवीं तक तो आप कर ही लो हर हालत में, पहली से पाँचवीं तक, ठीक है, और अगर आप आठवीं तक करोगे तो आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर बीएड वाले एलिजिबल है तो अनिवार्य रूप से आपको पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के जितने भी बच्चे हैं उनसे संबंधित है आपको सारी तैयारी करनी है, ठीक है। जो ये आपका शिक्षा संबंधित होता है दूसरा पेपर, ये सारा का सारा बालक और शिक्षक बस इसी के बीच की सारी प्रक्रिया है, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत है वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते होंगे दोस्तों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो इसमें दोस्तों बस यही चीज़ है, आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो एक संस्था है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे NIOS तो आपको दिख जाएगा। इसमें जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED का जो भी पाठ्यक्रम है, दो वर्षीय पाठ्यक्रम है दोस्तों, ठीक है, तो उसका जो भी पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा करना है। उसमें चाहे आपकी 10 किताबें लगी हैं, चाहे 12 किताबें लगी हैं, जितनी भी किताबें लगी हैं, क्योंकि जो ये आपका DSSB का एग्ज़ाम होता है PRT लेवल पर, ये KVS वगैरह से बहुत हार्ड आता है, ठीक है, तो इसमें टफ पड़ जाता है आपका एग्जाम, काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है क्योंकि सीट्स वैसी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपनी तरफ से आप 1% कसर मत छोड़ना, ठीक है। इसमें कोई चयनित बुक नहीं है, जितनी भी बुक लगी है DLED में, DLED के पाठ्यक्रम में जो NIOS द्वारा निर्धारित किया गया है, जितनी भी बुक्स लगे सारी आपको पढ़नी है। तो अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ लेते हैं तो आपके ना ये चारों कवर हो जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो मेन मैंने आपको बताई दी, बाकी ये सबसे ज़्यादा मेन है आपको DLED का, NIOS का जो भी पाठ्यक्रम PRT के लिए निर्धारित किया गया है या फिर DLED का जो भी पाठ्यक्रम है वो एक ही चीज़ है, चाहे PRT बोलो चाहे DLED का पाठ्यक्रम बोलो, तो उसे आपको अच्छे से पढ़ना है सारा का सारा। उसमें जितनी तमाम किताबें लेंगी सभी किताबों का अध्ययन करना है और कोई ज़्यादा मोटी किताबें नहीं है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब आप ये पाठ्यक्रम उठा के देखोगे, चाहे आपने भारत के किसी भी राज्य से अपनी डाइट BTC BEd कुछ भी आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्षीय दो वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करी है, तो उसमें बहुत सारा आपको सेम मिल जाएगा, इसमें डिटो सेम का सेम मिलेगा। तो आप इस तरह से मत घबराना, 12 किताबें या 15 किताबें जितनी भी लगे एक बार आप उन किताबों को खोल के देखना, आपको खोल के देखने पता चलेगा इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स तो मैं अपने जो आपका अध्ययन काल था उसमें ही पढ़ चुका हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब किसी ने ऐसी करी है या मतलब काफ़ी जगह आप जानते हैं फ्रॉड तरीके से डिग्री प्राप्त कर लेते हैं लोग, चाहे BTC का डिप्लोमा हो या चाहे BEd की डिग्री हो, तो उन्हें थोड़ी सी समस्या शायद से देखने को मिल जाए क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं करी। बाकी जिसने अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अध्ययन करा है उसमें जो मेहनत करी तो उसे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है दोस्तों, जो DLED का पाठ्यक्रम है, एक मिनट, हाँ, जो DLED का पाठ्यक्रम है उसे आप पूरा कर लो, चाहे जितनी भी लगी हैं बुक्स, ठीक है। और इसे करने के बाद सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है हर हालत में। इसके बाद इग्नू भी एक संस्थान है हमारी, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें जो BEd का पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा करना है, ठीक है, इसमें जो BEd का पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा करना है, बाकी ये तो हर हालत में करना है। और अगर BEd वाले एलिजिबल हैं तो आपको ये भी अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, फिर BEd का पाठ्यक्रम भी। अब आप ये सोच रहे हो इतना ज़्यादा पाठ्यक्रम हो गया तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको हर हालत में, ऐसे नहीं होने वाले इसका एग्ज़ाम क्रैक। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, अगर BEd वाले एलिजिबल नहीं है तो आप DLED का जो भी पाठ्यक्रम है वो कर लेना, बाकी कोशिश करना BEd भी कवर कर पाओ, क्योंकि आजकल आपको पता है एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया जाता है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। बाकी अगर BEd वाले एलिजिबल है तो आपको इग्नू का जो पाठ्यक्रम वो अनिवार्य रूप से करना होगा। और इग्नू में भी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी आप इसका पाठ्यक्रम देखेंगे इग्नू का, तो जो भी आपने एक वर्ष से दो वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करा है, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होगा। कोई सा भी भारत के नॉर्मल सी बात करें, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की हम बात करें, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा देखने को मिलेगा सिलेबस, ठीक है, तो इससे मत घबराना, एक बार पढ़ के देख लेना आप, ठीक है। उसमें आपका बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण अधिक क्षमता भी आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। और ये मिलेगा कैसे आपको, आप गूगल पे सर्च करना NIOS, ठीक है, तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर DLED का आपको पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा, बाकी इग्नू का भी मिल जाएगा, और आपको बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी PDF में। बाकी आप मुझे बताना तो फिर मैं आपको शायद बुक्स ही डाउनलोड करके दे दूँ एक लिंक, जिससे जहाँ से आप सारी बुक्स डाउनलोड कर पाओ। बाकी फिलहाल खुद से कोशिश कर लेना यार, टीचर बनने वाले थोड़ा टेक्निकल भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि स्मार्ट टीचिंग होने वाली है, और अब आप टीचर बनोगे तो निश्चित रूप से आपको स्मार्ट टीचिंग भी करानी पड़ सकती है कभी, तो फिर अगर काफ़ी जगह मैंने देखा है कंप्यूटर वगैरह के वर्क से थोड़ा भागते हैं बच्चे, तो ये मत करना आप, ठीक है। तो आप जितना भी आपको दिख रहा है तो खुद से आप ट्राई कर लेना, आपको सारा मिल जाएगा, सब कुछ वेबसाइट पर पड़ा हुआ है।
अब दोस्तों क्या है, ये तो आपने चारों कर ही लिए, और कहाँ से करने वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा दोस्तों और क्या करना है आपको, शिक्षा दर्शन पढ़ना है, ठीक है। और ये आपका शिक्षा दर्शन जो मैंने DL.ED का और जो इग्नू का बताया, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा, लेकिन इससे काफ़ी कम पूछे जाए ना जाए, लेकिन दोस्तों चांस तो होते हैं, एक दो चार क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, अगर आपके दो चार क्वेश्चन भी आ रहे हैं इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो इसलिए शिक्षा दर्शन भी आपको कवर करना है, ठीक है। और शिक्षा दर्शन के बाद शिक्षा अथवा शैक्षिक गतिविधियाँ, अब ये दोस्तों ये होता है शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो भी गतिविधियाँ चलती हैं या जो भी प्रक्रिया चलती हैं, जो भी फेरबदलाव होते हैं, शुरू से लेके आप जानते हैं काफ़ी सारी कमीशन आई है, काफ़ी सारे आयोग आए, जैसे कि आपका कोठारी आयोग हो गया, उसके बाद भी काफ़ी सारी कमीशन आई है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए, उसमें उसे लचीला बनाने के लिए या फिर उसे प्रभावी बनाने के लिए जो भी परिवर्तन किए गए हैं, चाहे सरकार द्वारा किए गए हैं, चाहे कोई अभ्यर्थियों ने या फिर कुछ लोगों ने मिलकर आंदोलन कराए, कुछ प्राइवेट संस्थाएं, ठीक है। तो किसी भी तरह की जो भी गतिविधियां चल रही हैं आपकी, अब तक जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा तब तक, ठीक है, चाहे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को लेकर हो, चाहे इससे जो पॉलिसी आई थी वो, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां, जो भी क्रियाकलाप या जो भी परिवर्तन, किसी भी तरह का आपको कुछ भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और भारत में, भारत से बाहर मत जाना, भारत भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चों के लिए जो भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां मिल रही हैं, बाकी दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा, कोशिश करना पहली से लेकर आठवीं तक, ठीक है, पांचवीं तक अनिवार्य रूप से, बाकी आठवीं तक कोशिश करना, आठवीं के ऊपर मत जाना, ठीक है। तो आठवीं तक जितने भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां देखने को मिल रही है, वो सारी की सारी, चाहे आप न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं या फिर आप कुछ थर्ड पार्टी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर आपने बीएड वगैरह BTC वगैरह में भी काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, कोठारी आयोग कमीशन के बारे में, उसके बाद रंगनाथ आयोग, काफ़ी सारे आपने आयोग वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करते हैं, तो उन्होंने जो जो परिवर्तन किए, जैसे जैसे परिवर्तन किए, सारे को आपको एक बार से पढ़ लेना, ठीक है। इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, बाकी जो मैंने इससे पहले चार बताए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, बाकी इसके अलावा यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं आपको, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पाँच बता दिए, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा भारत में पहली से आठवीं तक जो भी आपको एक्टिविटी देखती है, ठीक है, तो आप नोट आउट कर लेकर उसे जो भी आपको अच्छा लगे। और दोस्तों इसमें ये भी फायदा होता है, कल को आप टीचर बन गए, ठीक है, तो आपका भाषण वगैरह होता है, ये तो आपका हो गया। देखो टीचर का काम केवल पढ़ाना तो होता नहीं, कुछ टीचर्स के भी सेमिनार वगैरह होते हैं, तो उसमें टीचर्स को अपने मत रखने होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से और भी प्रभावी बनाया जा सके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ये चारों पाँचों चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान विकसित हो जाएगा। अब टीचर का काम यही नहीं केवल कि बच्चों पर ध्यान दे रहा, खुद पर भी ध्यान देना, काफ़ी सारे सेमिनार होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आते हो, क्या पता आप शिक्षा मनोवैज्ञानिक बन जाए। तो इसलिए दोस्तों कोशिश आप यही करना, जो आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ये भूलने वाला मत पढ़ना, ठीक है। तो कुछ नहीं पता, एक बार आप शिक्षा बन गए तो अदर फील्ड में भी आपका जाने के लिए मन करने लगेगा, तो ठीक है। तो काफी ज्यादा सेमिनार, संगोष्ठी या सम्मेलन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे शिक्षकों के, ठीक है। तो वो आपका सारी चीज़ें काम आएगी, जो भी आपने पढ़ा या फिर आपसे कोई डिमांड कर ले, बताइए कि शिक्षा क्षेत्र को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, तो दोस्तों वैसे तो आप अपने मत दे दोगे, लेकिन अगर आप इन शिक्षा मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ, शिक्षा दर्शन आपने पढ़ा, तो आप और भी अच्छे से सटीक वहाँ पर दे पाओगे, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में तो काम आएंगे ये। अगर आपको एक शिक्षक बन के बस निरस्त रहना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, एक्टिव नहीं रहना है, मतलब कि सक्रिय वगैरह नहीं रहना, निष्क्रिय पड़े रहना है, तो दोस्तों फिर तो शायद कुछ ना हो, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर आपको एग्जाम, तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम है वो पास करना है, उसके लिए आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो PRT लेवल का या फिर TGT PGT इससे संबंधित DSSB की जो भी आपका पाठ्यक्रम है, किस तरह से ट्रेनिंग क्या करना है, इससे संबंधित मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूँगा, इसलिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सिलेबस के विषय में आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग या फिर अन्य कोई भी अभ्यर्थी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। बाकी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि टीचिंग से संबंधित हर तरह की जानकारी, हर तरह की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।